हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ बोतल से प्लांटर। और प्लांटर भी जो है बोतल के ऊपरी हिस्से से बना रही हूँ। तो प्लांटर बनाने के लिए नीचे जो बोतल का हिस्सा होता है उससे तो मैंने पहले ही बना लिए थे, और ये ऊपर के हिस्से से मुझे टांगने वाले प्लांटर बनाने हैं तो वो बना रही हूँ। तो इनमें मैंने कलर किया है, जो कलर हम दीवारों पर करते हैं वही कलर मैंने इसमें किया है। और पहले ये प्राइमर कर दिया है, और फिर इसमें जो भी मैं दूसरा कलर कर रही हूँ वो है बचा हुआ हमारे यहाँ दीवारों का कलर, वो भी काफ़ी समय से बचा हुआ है। तो जब भी अगर कोई कलर बच जाता है तो उसे रख देना चाहिए। मेरे कलर को बचे हुए तो रखे हुए 4 साल हो गए, तब भी अभी तक ये ख़राब नहीं हुआ। थोड़ा बहुत पानी जैसा हो गया था तो उसे मैंने फेंक दिया, और फिर भी अभी काफ़ी बचा हुआ है। तो ये भी हमारे काम में आ जाता है। तो इसे हम गमले में भी कर सकते हैं, प्लास्टिक के डिब्बों में, किसी में भी करते हैं तो काफ़ी समय तक टिक जाता है, क्योंकि मैंने इसे पहले भी किया है। अब जब कोई भी बड़ी चीज़ मुझे बनानी होती है तो मैं यही कलर करती हूँ। और अब मैं इसमें मार्कर से जो है इसमें मुँह आँख कान नाक जो भी बनाना है वो मार्कर से बना रही हूँ। ये परमानेंट मार्कर है, वैसे तो कलर से भी बना सकते हैं लेकिन मैं मार्कर से बना रही हूँ। तो ज़रूरी नहीं है कि इसमें इमोजी ही बनाएं, अगर हम इन्हें साधारण तरीके से भी कलर करके ऐसे ही भी अगर हैंग कर देंगे तो तब भी अच्छे लगते हैं। लेकिन थोड़ा सा कुछ और डिज़ाइन दे दिया इसमें तब ये और सुंदर दिखते हैं। तो इसलिए जो है मैं इमोजी बना रही हूँ इनमें। और सारे जितने भी मेरे ये हैं प्लांटर, सभी में मैं कुछ ना कुछ बनाऊँगी। तो आप देखिएगा किस तरीके से बन रहे हैं ये और कैसे लगेंगे। तो इनको मैंने एक साथ में ही लगाना है, सबको एक साथ में जोड़कर मैं एक ही जगह पर टांगूंगी इन्हें। तो इससे जो है हमारी जो भी जगह है उसकी बचत हो जाएगी। अलग अलग नहीं लगाना है इसे, एक साथ में ही जोड़कर लगाऊंगी। तो इसके लिए मेरे पास जो है वाइपर का डंडा पड़ा है, क्योंकि वाइपर तो टूट गया था तो वाइपर का डंडा है, तो उसी में इसे मैं जोड़ूंगी। और एक जाले निकालने वाला डंडा था उसका आगे का, वो भी टूट गया था, तो एक वह है मेरे पास। तो मैं दो तरीके के प्लांटर बनाऊंगी, एक तो सिंपल है मेरे दूसरे वाले जो मैं बनाऊंगी, और इसमें थोड़ा सा इमोजी बना रही हूँ। अब ब्लैक कलर तो मेरा सारा हो चुका है, थोड़ा सा मैं रेड कलर का यूज़ करूँगी ताकि प्लांटर और भी सुंदर दिखाई दे। और ये मैं कर रही हूँ इसमें रेड कलर। तो आपको जो भी कलर अच्छा लगे वो कलर आप कर सकते हैं, जो भी पसंद हो वो कर दीजिए। और इसका जो बेस में भी जो कलर है कोई भी कलर कर सकते हैं। मैंने तो नीला किया है क्योंकि मेरे पास यही पड़ा हुआ था तो मैंने इसी को किया, और अक्सर मैं इसी कलर को करती हूँ। प्लांटर तो देखिए बनकर ये पूरे तैयार हो चुके हैं, ये बन गए हैं मेरी इमोजी। अब इन्हें मैंने एक साथ में
जोड़ूंगी इन्हें मैं। तो किस तरीके से इन्हें जोड़ना है आप देखिएगा। तो एक ही जो मेरे पास डंडा है उसमें लगाना है, ये है मेरा जाले निकालने वाला डंडा। तो इसमें इस तरीके से जो है सारी बोतलों को डाल देना है इस तरीके से, और इसके नीचे इसको रोकने के लिए ताकि ये नीचे ना खिसके। तो इसमें मैं ऊन लगा रही हूँ जहाँ जहाँ पर इन्हें रोकना है, और इसमें मैंने कलर भी नहीं किया इस डंडे में क्योंकि ये पहले से ही इस कलर का है। तो इसी तरीके से मैं इसमें सारे जो भी मेरे प्लांटर हैं उनको मैं इसी तरीके से लगाती जाऊंगी, और इनके इनको रोकने के लिए फिर मैं इसमें ऊन बांधूंगी। तो मैंने इसमें सारे प्लांटर जो हैं इस में डाल दिए हैं, और अब मैं इसमें बांधूंगी ऊन। तो किस तरीके से बांधूंगी ये देखिएगा आप। तो ये है मेरे पास ऊन, और ये भी मेरे पास पुरानी पड़ी हुई थी तो इसे मैं इसमें बांधना है ताकि ये जो प्लांटर हैं ये नीचे ना खिसकें। तो हर प्लांटर के नीचे इस तरीके से इस ऊन को थोड़ा मोटाई से बांध देना है, काफ़ी सारे इसको राउंड करने हैं और बांधना है इसे इस तरीके से राउंड करते चले गए जितना भी, जो ताकि ये ऊपर का जो प्लांटर है वो नीचे ना खिसके। हर प्लांटर के नीचे इसी तरीके से बांधना है। अब सबके नीचे बंध चुका है ये इस तरीके से, और अब आप देखिए ये रेडी हो गए हैं मेरे प्लांटर, और इस तरीके से ये लगेंगे और ये ज़्यादा जगह भी नहीं घेरेंगे कहीं पर, इसको हम कहीं भी टांग सकते हैं इस तरीके से। और ये भर दी मैंने इसमें मिट्टी, और इसे लगाया है मैंने अपने जो गार्डन है जहाँ पर हमारी झोपड़ी है वहाँ पर लगाया है इसे, वहाँ पर टांग दिया है। तो मिट्टी भरने के बाद इसमें मैं टर्टल वाइन लगा रही हूँ। अब बना रही हूँ मैं दूसरी बोतल में, वैसे इन बोतलों को मैंने पहले भी बनाया था। तो अब इसमें थोड़ा सा दूसरा कलर करके इसको भी मैं इसी तरीके से टांगूंगी, इसमें भी जो है कुछ बेल लगाऊंगी, पर्पल हार लगाऊंगी या कुछ भी लगाऊंगी। तो ये हो गए मेरे प्लांटर ये वाले तैयार, और ये देखिए इसको भी मैं इसी तरीके से, ये भी वाइपर का जो है डंडा है तो इसमें इसी तरीके से। तो इसमें मैं इनको रोकने के लिए सुतली लगा रही हूँ, और इसी तरीके से लगाते हुए पूरे जितने भी डिब्बे हैं मेरे पास उनमें सुतली लगाकर इसी तरीके से लगाऊंगी मैं इन्हें। और ये हो गया है मेरा दूसरा प्लांटर भी तैयार, ये हो चुका है। ये मैं इसको टांगने के लिए ऊपर से ऊन लगा रही हूँ, और इस ऊन से ही मैंने इन्हें बांध दिया है। ये हो गए मेरे दोनों प्लांटर तैयार, और ये देखिए टांगने के बाद जो है कितने अच्छे लग रहे हैं। इसमें भी मिट्टी भर के, पहले वाले में भरी थी जिस तरीके से, उसी तरीके से इसमें भी मिट्टी भर के और इसमें भी पौधे लगा देंगे। तो कोई भी पौधा लगा सकते हैं, जो भी इच्छा हो वो पौधा लगा दीजिए, और हमारी जो भी जगह है उसकी भी बचत हो जाएगी। कहीं पर भी टांग सकते हैं इसको, तो जगह की भी बचत है और देखने में भी बहुत सुंदर लगते हैं। तो इस तरीके से प्लांटर बना सकते हैं। ये देखिए ये लग गए हैं मेरे प्लांटर, और इसमें मैं प्लांट लगा रही हूँ। अभी तो ये नए हैं, फिर उसके बाद ये पूरे भर जाएंगे तो बहुत ही सुंदर दिखेंगे। यह आइडिया आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।